तो हे गाइस, व्हाट्सअप बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने FA अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो गाइस, बिन टाइम वेस्ट करते हैं, यहां से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं, अपने फ्लाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है गाइस। आप लोग 3 डॉट देख रहे हो साइड में, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आप लोग यहां देख सकते हो सेटिंग, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आप लोग यहां पे कंफ्यूज नहीं होना गाइस। आप लोग सबसे ऊपर में देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से बहुत सारा आप लोग नाम वगैरह कुछ नंबर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो गाइस इसमें हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो नीचे मैनेजमेंट अकाउंट, आप लोग देख सकते हो डीएक्टिवेट सेटिंग, तो आपको गाइस सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोग डीएक्टिवेट देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ से आप लोग को कुछ एक सेलेक्ट कर लेना है, टेम्पोरली बैक कुछ भी आप किस वगैरह से अपना आईडी डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं दिस इज टेम्पोरली बैक में क्लिक कर लेता हूँ। गाइस यहाँ से आप लोग को कुछ रीजन देना होगा कि आप क्यों आईडी को डीएक्टिवेट कर रहे हैं अपने FB आईडी को। तो गाइस यहाँ से मैं लिख देता हूँ एग्जाम टाइम के चलते मैं अपने फेसबुक लाइट को इतनी कर रहा हूँ, डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। और यहाँ से गाइस आप लोग कंटिन्यू कर देना। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, नीचे में आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कर लेना। यहाँ से आप लोग डे लगा सकते हो कितना डे में आप लोग का आईडी डीएक्टिवेट हो जाए। तो मैं 7 दिन लगा लिया। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो डीएक्टिवेट माई अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग का डीएक्टिवेट अकाउंट हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना।